मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस के हम जो हमारे पास डेटा सेट होता है, जो जो हमारा ओवरऑल डेटा होता है, उसको हम एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मजीद समराइज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई आता है आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछता है कि इस यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है। अब वो क्या करेगा, वो उसे बताएगा कि हमारे इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं, इसके इतने मार्क्स आए हैं, इसके इतने मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजिंग है। वो यानी ये समझने के बजाय मजीद इंसान को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उन्हें ये बताए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑन एवरेज हमारे पास वो ऑन एवरेज 81% है, या ऑन एवरेज हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 88% है। अब ये क्या है, ये ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन करंट ईयर इन 2021, उसे एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो ओवरऑल स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसे एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ओवरऑल डेटा होता है, टेबल की फॉर्म में हो या जिस फॉर्म में भी हो, उसे हमने एक सिंगल वैल्यू में समराइज कैसे करना है, ठीक है। ओके, इसको पढ़ते हैं। यूजुअली व्हेन टू और मोर डेटा सेट आर टू बी कंपेयर्ड, इट इज नेसेसरी टू कंडेंस द डेटा, बट फॉर कंपैरिजन द कंडेंसेशन ऑफ डेटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजुअल प्रेजेंटेशन आर नॉट इनफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए या तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड चार्ट हम उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने डेटा को कंपेयर करना हो तो उसके लिए जरूरी है कि हम डेटा को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर लें, ठीक है। या हमने देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि जो SLP और OT का डिपार्टमेंट है उसमें 2020 में स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, 2019 में क्या रही है, 2018 में क्या रही है, 2017 में क्या रही है, ठीक है। या हम देखना चाहें कि ऑन एवरेज 2015 में क्या मेरिट चल रहा था, 2016 में क्या चल रहा था, 17 में क्या चल रहा था, 18 में क्या चल रहा था, 19 में क्या चल रहा था, 20 में क्या ओवरऑल मेरिट चल रहा था ऑन एवरेज, ठीक है, और 20 में क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है एक स्पेसिफिक ईयर की, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक सिंगल वैल्यू में, ठीक है। और हम इसके थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। यानी अगर एवरेज वैल्यू हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, 2019 में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो थी वो 81% थी, 2020 में जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो 85% रही, और 2021 में जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो 88% रही, तो इन दिस सिचुएशन परफॉर्मेंस क्या हुई, इंक्रीज हुई। और हमने कंपेयर कैसे किया, जो ओवरऑल स्टूडेंट थे 2019 में जो इनरोल थे, 20 में जो इनरोल थे, 21 में जो इनरोल थे, उनके मार्क्स को हमने एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमने अपने डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कैसे करना है। सेंट्रल टेंडेंसी मींस द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टू गो टूवर्ड द सेंटर पार्ट, ठीक है। यानी जो हमारा ओवरऑल डेटा होता है उसे जब हम एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंगल वैल्यू जो है वो उसी डेटा के इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाए करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, हाँ, हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अलग रही है, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो दूसरे स्टूडेंट से चेंज होंगे, जब हम उन मार्क्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, एक समरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो वो वैल्यू जो है वो उन 30 स्टूडेंट के मार्क्स के इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाए करेगी, और वो जो 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो उस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड अरेंज होंगे, ठीक है, उस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड अरेंज होंगे। इसे हम कहते हैं मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
सच अ वैल्यू समवेयर इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा. ठीक है, वो जो सिंगल वैल्यू होती है जिसमें हम ओवरऑल डेटा सेट को कन्वर्ट करते हैं, वो वैल्यू जो है ओवरऑल डेटा सेट के इन बिटवीन कहीं ना कहीं लाई करती है. एंड हिंस इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, इसे हम एवरेज भी कहते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं. सिंस अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एन एवरेज इंडिकेट्स द लोकेशन और द जनरल पोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ पोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू होती है वो इन बिटवीन डेटा के लाई करती है और ओवरऑल डेटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड अरेंज होता है. और इससे हमें पता चलता है कि डेटा की पोजीशन किस साइट पर है, डेटा की लोकेशन क्या है. ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 5 टाइप्स के हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड. सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे. अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. ठीक है, अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा. एवरेज, एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, अर्थमेटिक मीन बेसिकली जब भी एवरेज का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में अर्थमेटिक मीन आता है. ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा. ठीक है, लेकिन ये सारे हमारे पास एवरेज है. आप लोगों के जहन में भी जब आप लोग एवरेज का नाम सुनते होंगे तो जहन में डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन आता होगा. अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एवरेज है हमारे पास. ठीक है, अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन, इसे हम मीन भी कहते हैं. अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, जब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को, यानी जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है हमारे पास, उसका हम सम ले लें और उसको हम डिवाइड कर लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आता है. अब अर्थमेटिक मीन के फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं. अर्थमेटिक मीन के हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फार्मूला है. एक हम अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे, एक हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, अनग्रुप डेटा हमारे पास कौन सा डेटा होता है. अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जो कि अनअरेंज्ड फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी रॉ फॉर्म में जो हमारे पास डेटा सेट होता है उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा. ठीक है, द डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. ठीक है, अनग्रुप डेटा जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में देखें, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम निकालते हैं, ये आप लोग देखें, ये आप लोगों को डेटा जो नजर आ रहा है जो कि अभी तक अरेंज नहीं हुआ, ये डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा है, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है, अनअरेंज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म है. अभी ये ओरिजिनल फॉर्म में है. जैसे ही हमने 60 एप्पल्स को लिया, हर एक एप्पल को हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका हम उनका वेट करके, उनके वेट को मेजर करके उनका वेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब ये डेटा क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है. ठीक है, जब हमने इसको फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लिया, ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में हमने सेम डेटा को अरेंज कर लिया, तो ये डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा हो गया है, क्योंकि ये डेटा एक अरेंज फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमारे पास आ गया है, तो ये है हमारे पास ग्रुप डेटा. ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन के हमारे पास अपने फार्मूले हैं और ग्रुप डेटा के लिए अपने फार्मूले हैं. ठीक है, अनग्रुप डेटा, जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास इक्वल होता है समिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन है सबका हमने सम ले लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेना है. जैसे इस एग्जाम्पल में आप लोग देखें, अगर आप लोग डायरेक्टली यहां से इस मीन वेट फाइंड करना चाहेंगे ऑफ एप्पल, तो क्या करेंगे, इन तमाम 60 वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है, जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 60 पर. ठीक है, तो अनग्रुप डेटा में हम अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं, हम ओवरऑल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका हम सम लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं. ठीक है, यहां पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये एक मैथमेटिकल साइन है और इसे हम समिशन के लिए, मीन टोटल के लिए यूज करते हैं. ठीक है,
ओके, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है? द डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड एज वो डेटा जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, उसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं। और अरिथमेटिक मीन इन द इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम समिशन लेते हैं एफ एक्स। यहाँ एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ है हमारे पास, एफ इक्वल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, हम हर एक ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यूज आती है उनका हम सम लेते हैं और ओवरऑल रिजल्ट को हम एन पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा जो एन होता है हमारे पास, यानी सैंपल साइज हमारे पास होता है, वो समिशन एफ के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें, इस डेटा में देखे, हमने हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास क्लासेस है इन क्लासेस का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। हर एक मिड पॉइंट को जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, एक्स की वैल्यूज होंगी, उस एक्स की वैल्यूज को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो ओवरऑल रिजल्ट होगा उसका हम सम फाइंड करेंगे और देन हम समिशन एफ पर, यानी फ्रीक्वेंसी पर, जो टोटल साइज है इस केस में, ये जो डेटा है 60 एप्पल्स का है, तो डिवाइडेड बाय हम इसको 60 करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हमारे पास जो इन केस ऑफ ग्रुप डेटा जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है वो इक्वल होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के। और यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल साइज को, जो कि इक्वल है हमारे पास समेशन एफ के, यानी हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल ले लें तो हमारे पास सैंपल साइज आ जाता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।